जब कभी भी अयोध्या आंदोलन का जिक्र होता है तो धर्मेंद्र सिंह गुर्जर का नाम प्रमुखता से आता है। धर्मेंद्र सिंह गुर्जर उस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बजरंग दल के नेता थे। सन 1990 में अयोध्या में जब बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक पुलिस गोलीबारी में मारे गए और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के दौरान दोनों ही घटनाओं में धर्मेंद्र सिंह गुर्जर शामिल था। इसने रिपोर्टर को यह भी बताया कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवकों को किस तरह से सुनियोजित तरीके से सैनिक अभ्यास दिया गया। हमारा एक वर्ग लगा था अहमदाबाद में, रमेश जी ने बताया होगा जी। तो वहाँ पे एक हर एक प्रांत से दो दो लोग बुलाए गए थे शिक्षण के लिए जी। शिक्षण हुआ था हमारा वहाँ पे। कितने लोग थे? हमारे 14 प्रांतों से करीब 28 लोग थे, कुछ महिलाएं भी थी हमारे साथ। अच्छा, किस टाइप का ये शिविर था? वो तो एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को। किस चीज की? जैसे आर्मी ट्रेनिंग। अच्छा, मतलब उसका कमन और तोड़ने का उस समय ऐसा कुछ कोई इरादा भी नहीं था जब तोड़ी जाएगी तो तोड़े जाए, लेकिन हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग की आपको दीवार पे चढ़ना है, ढांचे पे चढ़ना है, कहीं चढ़ना है, कहीं से चढ़ा जाए। अच्छा, हाँ बताओ। ढांचे पे चढ़ने की ट्रेनिंग की है, और मतलब वेपन्स ट्रेनिंग नहीं थी? नहीं, किसी तरीके की। अच्छा, कहाँ पर ये ट्रेनिंग? कोई सरखेज है गुजरात में। सरखेज। धर्मेंद्र गुर्जर रिपोर्टर को अभ्यास कैंपों में दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि इतने बड़े ढांचे पर चढ़ने के लिए कार सेवकों को बकायदा प्रशिक्षण दिया गया था। धर्मेंद्र ने बताया वो एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को, आर्मी ट्रेनिंग। हम लोगों को ऐसे ट्रेनिंग दी गई थी कि दीवार पर चढ़, ढांचे पर चढ़ जा। धर्मेंद्र ने आगे दंगों में शामिल आरएसएस के लोकल और प्रमुख नेताओं के नाम का भी खुलासा किया। कितने लोग, मतलब 28 लोग थे, कुछ ऐसे नाम बताइए जो मतलब फेस वैल्यू हो कुछ। हरिहर लाल पारेख राजस्थान से, जो राजस्थान के सैनिक रहे हैं जी। हरिहर लाल जी पारेख, पंजाब से अरुण खन्ना जी थे जी। तमिलनाडु से किनारा जन जी। बिहार से अनु टाइगर जी। अपने रामपुर से, उत्तर प्रदेश से अपने धनंजय पाठक जी, प्रताप सिंह जी, और अपने तमिलनाडु से हो गया, महाराष्ट्र से वो थे अपने प्रतुल दास हतवाणे। प्रतुल दास अभी बजरंगल के ऐसे करीब काफी लोग। नहीं, कोई और बड़ा नाम? ये लोग तो ट्रेनिंग वाले थे, बताया वहाँ पे सभी लोग ट्रेनिंग में बौद्धिक देने के लिए आते थे हम लोगों को। कौन कौन? जैसे सभी आचार्य जी, राय किशोर जी हैं जी, आचार्य धर्मेंद्र जी भी हैं जी। ये लोग मुख्य रूप से हैं, बताया तो धर्मेंद्र जी भी आते थे। डॉक्टर तोगड़िया जी उस समय गुजरात, तोगड़िया जी उस समय प्रदेश के थे। अच्छा, उस शिविर में आए थे? हाँ, शिविर में हमको बौद्धिक हुआ था ना जी, नयन भाई जी तो बढ़िया। अच्छा, जवाहर सिंह जी पवैया। अच्छा, कहाँ पर ये ट्रेनिंग? कोई सरखेज है गुजरात में। सरखेज। कितने दिनों की ट्रेनिंग थी? एक महीने।
वास्तुता जी थी, कोई भी कार्यकर्ता किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था, बोले बार बार आने से क्या फायदा, एक ही बार उठाते। गुजर के अनुसार बाबरी मस्जिद को गिराने की योजना में 1200 लोगों के आत्मघाती दल को भी तैयार किया गया था। आइए इन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। ऐसी हो रही थी हमको, 12 पट्टी जो काली काली बांधी गई थी हमारे साथ, तो हर एक प्रांत से जो लोग थे जो उस ट्रेनिंग में, उन लोगों की ये भूमिका थी कि आगे आप लोग रहेंगे, उसके बाद ये लोग रहेंगे। बलदानी जत्था बनाया था जी, हर एक प्रांत हर एक जिले से 20-20 लोग हमने बलदानी जत्थे लिए थे। प्रांत से करीब 500 लोग हो गए थे जी, और 22 प्रांतों से लगभग 1100-1200 लोग ये मतलब तैयार थे बलिदान देने के लिए। 11000 कार्यकर्ता तैयार हो गए थे जो आगे चले थे उसमें। अच्छा, तो 12-5 के बाद में एक नारा लगाया था उन्होंने, रमेश जी ने, जय श्री शाह। और इस बात से पता चलता है कि 6 दिसंबर की घटना पूरे देश में प्रबलता से चलाई गई हिंदुत्व की भावना को फड़काने का परिणाम थी। वास्तविकता ये है कि वो जरूर था, उसमें सैकड़ों हिंदू युवा और देश के कई लोग उससे जुड़े उस आंदोलन में, और दिल से दिमाग से कोई मतलब ये कह सकते हैं आप तो कि पूरे तर्मन धन से पूरी तरह लोग जुड़े उससे। मेरी वास्तविकता ये है कि देश के नेताओं ने उनके लोगों को एक भूल पैदा करके उनका उपयोग किया और जहाज ने वास्तव में कोई काम नहीं किया। उस समय के जो युवा उनसे जुड़े, जैसे कोठारी बंदी मारे गए, कोठारी बंदी आज गायब हो गए, उनका कोई नौ निशान नहीं। हमारे यहाँ भोपाल में संजय गुर्जर मारा गया, उसका कोई गुड़े पुत्तू सिंह बाबा मारे गए, उनकी आज जो मध्य प्रदेश में क्या कहीं भी उनका ये फूल चढ़ाने के लिए उनका वर्षी नहीं मनाई जाती है। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उस आंदोलन में शहीद हुए और शहीदों के परिवार को लोग भूल गए। राम जन्मभूमि की हमारे बड़े बड़े नेता बात करते हैं, सत्ता में बैठने के बाद कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं। सच्चाई तो ये नहीं, वो चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हूँ, चाहे वो दिल्ली में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता हूँ, वो लोग कह देते हमारा कुछ नहीं, हमने तो ऐसी कार सेवा के लिए बुलाया था, आप लोगों ने थोड़ा ये नहीं, सब लोग आह्वान करके बुलाया था, घर घर सलाम सलाम पीएल करके बुलाया था, सारी एक ही कार्यकर्ता घर से गया था, पूरे देश से लोग बुलाया। जिम्मेदारी किसकी होती है बुलाने के लिए, जैसे कार्यकर्ता कहीं इकट्ठा तो हो जाए भाई, कोई ना कोई तो बुलाता है। बुलाया उन्होंने कहा प्रतीकात्मक पूजा थी, शिला पूजन करना था, वो बालू उठानी थी सरयू से, वो डालना था बस, ये सब बेवकूफ बनाया था इसलिए तो हमारा देश बेवकूफ बनता आ रहा है। पहले हम जवानी के जुलूस में थे, जुनून में था, जुनून तक गुजर गया, लोगों ने उपयोग किया और छोड़ दिया, जैसे बात है ना पुड़िया खाई और यूज कर दिया, ऐसे लोगों को करते हैं। 20 साल बाद लोगों की जरूरत नहीं है, नए 20 साल बाद जितने युवा होगा उनका उपयोग करेंगे, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करते बकाए है कुछ नहीं है। ये लोग सत्ता बढ़ जाते, कुर्सी बढ़ जाते, कार्यकर्ताओं के साथ बेहद निकम्मापन का व्यवहार होता है किसी की सीमा। मतलब लोग पेट्रोल बम जो थे पेट्रोल लगा के अंदर से खुद रहे थे। धर्मेंद्र सिंह गुजर ने उस गुप्त बैठक के बारे में बताया जिसे बड़े नेता किया करते थे। बातों ही बातों में इसने कानपुर से एक रात में हजारों हथौड़े और फावड़े मंगाने वाली बात को भी उजागर किया। बकौल धर्मेंद्र सिंह गुजर, उन्होंने 500 हैमर, 500 फावड़े, 500 गैती रातों रात गुप्त रूप से वहां से मंगा लिए थे कानपुर से। 500 हैमर, 500 फड़ुए, 500 गैती रातों रात गुप्त रूप से वहां से मंगा लिए थे कानपुर से। रमेश पिताजी वगैरह की काफी घूम करी थी, और उन लोगों को सामने जो 5-5 11000 लोग जो बलदानी जत्थे बनाए थे उनके साथ, उनको तो आगे कर दिया था भीड़ उनके साथ। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के आशीष से बात करते वक्त धर्मेंद्र ने विनय कटियार, उमा भारती, जय भान सिंह और आचार्य धर्मेंद्र का जिक्र किया जो प्रमुखता से बैठकों का संचालन कर रहे थे। साथ ही धर्मेंद्र ने सूची में पेट्रोल पंप शामिल होने की भी बात कही। मतलब लोग पेट्रोल बम जो थे पेट्रोल लगा के अंदर से खुद रहे थे, लगा के भागे तो लोग उससे नहीं बहते थे, उनको मालूम है कि पेट्रोल बम था उस समय, पेट्रोल बना लिए थे तो बोले कर। अच्छा, आप लोगों ने या फिर मतलब वो थी भीड़ थी। अच्छा, लगाया उसमें फट गई दीवार को। अच्छा, पेट्रोल बम किस तरीके से क्या कैसे उपयोग,
अभी तो नहीं, लेकिन उसमें बताते हैं उस पेट्रोल उसमें डाल देते बोतल में, बोतल भर के उसको अंदर डाल देते गल जाती थी। कितने कितने ऐसे इस्तेमाल हुए होंगे? 10-20-50 तो हुए होंगे। हाँ सच्चाई है कोई मतलब? हाँ, सच्चाई है। पेट्रोल पंप कितने लोगों ने बनाया होगा? स्पेशलिस्ट है कोई? नहीं नहीं, बिहार की टीम के लोग थे। अच्छा, वो जी काम बिहार के लोग कर रहे थे। मतलब ये है कि पेट्रोल पंप का इस्तेमाल हुआ उसमें। अच्छा, और दूसरा ये कि मतलब जो गुप्त बैठकें होती थी उसमें कौन कौन लोग? उसमें आचार्य धर्मेंद्र जी। कहाँ पर? बड़े कटियार जी। जी कहाँ कहाँ पे उस दिन क्या कहाँ पर? हनुमानगढ़ी के मंदिर पे हुई। क्या इस मीटिंग में क्या कितने बजे हुआ मीटिंग? रात्रि 9 बजे हुई थी, 9-10 के बीच। मतलब 5 दिसंबर को क्या हुआ उसमें? 5 दिसंबर को रात्रि में इतना हो गया तो सुबह 9 बजे फिर मीटिंग हुई थी। जी, और दोनों मीटिंग में इतना हुआ था कि ढांचा टूटा है, 12:30 को टूट दिया जाएगा। ये 12 लोग मेरा नाम लगाया, उन लोग थे जी, साथ में मनेजर जी भी थे, माँ जी की सेवती थी। धर्मेंद्र सिंह गुजर के अनुसार पेट्रोल बम के उपयोग का निर्णय एक गुप्त बैठक में लिया गया, जिसका संचालन विनय कटियार और आचार्य धर्मेंद्र जैसे बड़े नेता कर रहे थे। धर्मेंद्र के अनुसार बैठक हुई थी ना उसकी, बिहार की टीम के लोग थे और ये काम बिहार के लोग कर रहे थे। जो गुप्त बैठकें होती थी हनुमानगढ़ी के मंदिर में हुई थी, उसमें आचार्य धर्मेंद्र जी, विनय कटियार जी थे। जब आगे बात कार सेवकों की वर्तमान हालात पर आई तो धर्मेंद्र कार सेवकों की मेहनत को राजनीति की भेंट चढ़ने के कारण भी दुखी दिखाई दिए। आप कुछ और नाम जो मतलब लोगों के ना नजरिए में हो और जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हो, छूट गए हों? नाम तो वाजिब इतने हैं, तो वास्तविकता तो ये है कि जिन लोगों का वास्तव बलदान ना उसको भाजपा पूछ रही है ना कोई पूछ रहा है, वो लोग तो बेचारे घर बैठे हुए हैं। कौन जैसे एक दो नाम बताइए? अपना मध्य प्रदेश में मान लीजिए जैसे पुत्र बाबा मर गया है, आज तक उसकी कोई बरसी या जन्मदिन मनाया जाते। जब 90 में अगर मान के चले कोठारी बंदियों ने बलिदान किया है जी, और कोठारी बंदियों के जब शुरू शुरू मतलब कोठारी थे डायलॉग वो यार करेगा हिंदुस्तान ना ये लगते जाए, कोठारी बंदियों को नाम लेने वाला नहीं जी। और सत्ता में जो लोग भैया आए वहाँ से लाल शिवाज इन्होंने मन से नहीं करी है, वो लोग सत्ता में शिवराज सिंह जी में हमारे मध्य प्रदेश में आनंद ले रहे हैं, और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है कार शिवा में जो लोग गए हैं उन लोगों को कुछ नहीं रहा है। और वास्तविकता ये है कि इनका दिखावा कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों चाहे मध्य प्रदेश का कोई नेता हो। और इस तरह से धर्मेंद्र का अब अयोध्या आंदोलन से मोह भंग हो गया, और इस बात पर खेद धर्मेंद्र को भी है कि कुछ नेता जो आंदोलन में शामिल थे आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वही कार सेवकों को पूरी तरह से भुला दिया गया है। इसे धर्मेंद्र की मुंह जबानी ही सुनते हैं। मन से नहीं करी है, वो लोग सत्ता में शिवराज सिंह जी में हमारे मध्य प्रदेश में आनंद ले रहे हैं, और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है कार शिवा में जो लोग गए हैं उन लोगों को कुछ नहीं रहा है। और वास्तविकता ये है कि इनका दिखावा कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों चाहे मध्य प्रदेश। कोबरा पोस्ट का रिपोर्टर के आशीष जब धर्मेंद्र से दोबारा मिला तो धर्मेंद्र ने कहा कि अयोध्या आंदोलन का राजनीतिक ताकतों की वजह से दुरुपयोग हुआ, जिसकी वजह से कार सेवक आज भी नाराज हैं। वास्तविकता ये है कि वो जरूरत उसमें सैकड़ों हिंदू युवा और देश के कई लोग उससे जुड़े उस आंदोलन में, और दिल से दिमाग से कोई मतलब ये कह सकते हैं आप तो कि पूरे तन मन धन से पूरी तरह लोग खुले होते हैं। वास्तविकता ये है कि देश के नेताओं ने उनके लोगों को एक भीड़ पैदा करके उनका उपयोग किया और जहाज़ वास्तव में कोई काम नहीं किया, उस समय के जो युवा उनसे जुड़े जैसे कोठारी बंदी मारे गए, कोठारी बंदी आज गायब हो गए, उनका कोई नौ निशान नहीं,
हमारे यहाँ गोपाल संजय गुर्जर मारा गया, उसका कोई पुत्तू पुत्तू सिंह बाबा मारे गए, उनकी आज जो मध्य प्रदेश में क्या टाइमिंग, उनका ये फूल चढ़ाने के लिए उनका वर्षी नहीं मनाई जाती है। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उस आंदोलन में शहीद हुए और शहीदों के परिवार को लोग भूल गए। राम जन्मभूमि की हमारे बड़े बड़े नेता बात करते हैं और सत्ता में बैठने के बाद कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं। सच्चाई तो ये नहीं, वो चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हूँ, चाहे वो दिल्ली में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता हूँ, वो लोग कह देते हैं हमारा कुछ नहीं, हमने तो ऐसी कार सेवा के लिए बुलाया था, आप लोगों ने थोड़ा ये नहीं, सब लोग आह्वान करके बुलाया था, घर घर सलाम सलाम पीएल करके बुलाया था, सारी एक ही कार्यकर्ता घर से गया था, पूरे देश से लोग बुलाया, जिम्मेदारी किसकी होती है बुलाने के लिए, वैसे कार्यकर्ता कहीं इकट्ठा तो हो जाए भाई, कोई ना कोई तो बुलाता है। बुलाया उन्होंने कहा प्रतीक आत्मक पूजा थी, शिला पूजन करना था, वो बालू उठानी थी सरयू से, वो डालना था बस, ये सब बेवकूफ बनाया था, देश बेवकूफ बनता आ रहा है। पहले हम जवानी के जुलूस में थे, जुनून में था, जुनून तक गुजर गया, लोगों ने उपयोग किया छोड़ दिया, जैसे आती ना पुड़िया पुड़िया खाई और यूज कर दिया, ऐसे लोगों को करते हैं, अभी सर्वा उन लोगों की जरूरत नहीं है, नए 20 साल बाद जितने युवा होगा उनका उपयोग करेंगे, कोई कैसे करता है कोई कैसे करते हैं, बताया है कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता बढ़ जाते कुर्सी बढ़ जाते कार्यकर्ताओं के साथ इतना बेहद और निकम्मापन का व्यवहार होता है किसी के सुना। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।